बीपीएससी टीयर टू शिक्षक भर्ती को लेकर जो है अभी आप लोगों का एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षक भर्ती अभी आप लोग का फेज टू का चल रहा है, इसमें बहुत सारा आप लोग का कंफ्यूजन है, बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे आ रहा है, और अलग अलग तरीके का जो नोटिस है वो बीपीएससी की तरफ से निकल के आ रहा है। तो अभी जो है कल रात को एक नया नोटिफिकेशन आप लोग का जारी किया गया था 14 तारीख को, जिसमें कि आप लोग का जो लास्ट डेट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। साथ में आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी कुछ जानकारी दिया गया है। आप लोग का अगर गलत हो गया था रजिस्ट्रेशन तो उसके बारे में भी आप लोग का जानकारी दिया गया है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप जो है बीपीएससी टीयर टू का फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ में जो भी आप लोग का अपडेट आता है उस वीडियो को भी आप देखिएगा, ताकि आप लोग को जानकारी मिलता रहे। बहुत सारा अपडेट यहाँ पे आता रहता है, बहुत सारा जो बदलाव है वो आप लोग का हो रहा है, तो आपको जो है वीडियो पर ध्यान देते रहना है, नहीं तो आप लोग का जो परेशानी हो जाएगा, आप लोग फॉर्म भरने में गलती कर दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो यहाँ पे देख पाऊंगे मैंने जो बीपीएससी का वेबसाइट ओपन कर रखा है, और यहाँ पे 14/11/2023 को जो है एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर एंड हेडमास्टर के लिए। यहाँ पे देख पाओगे रिवाइज डेट एंड फी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जो है इसमें आप लोग का जानकारी दिया हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पीडीएफ है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है आप लोग का जानकारी दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग का बताया गया कि विज्ञापन संख्या जो 27/2023 है शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार विद्यालय अध्यापक के जो है कुल 69,706 पद के लिए, साथ में यहाँ पे 916 जो है आप लोग का पिछड़ा पिछड़ा वर्ग वाले जो पद है उसके लिए, साथ में यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो कुल 1401 पद रखा गया है उसके लिए, और यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के समाहित किए गए कुल 50,263 रिक्त पदों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंधित संशोधित तिथि एवं अन्य निर्देश नामांकित है। तो यहाँ पे कुछ आप लोग का संशोधन किया गया है और कुछ आप लोग का जो निर्देश है वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि विज्ञापन में प्रकाशित, तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है जो कि आप लोग का विज्ञापन प्रकाशन में दिया गया था वो आप लोग का 17/11/2023 यहाँ पे दिया गया था, और इसमें संशोधन क्या किया गया है तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया है, यानी कि बदलाव क्या किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को स्थिर किया जाता है, परंतु निबंधन एवं भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो 17/11/2023 यथावत रहेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पे रोक दिया गया है रजिस्ट्रेशन और भुगतान का यानी कि पेमेंट का, लेकिन आप लोग का जो डेट है उसको 17/11 ही आप लोग यहाँ पे रखा गया है। साथ में यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 25/11 तक था, यानी कि जो आप लोग रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग फॉर्म भरते हैं उसके लिए आप लोग का 25/11 डेट रखा गया था, तो इस डेट में भी आप लोग का बदलाव नहीं किया गया है, यथावत यानी कि जैसा था उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो है कुछ भी आप लोग का बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जो बदलाव किया गया मेन वो देखिए यहाँ पे वर्ग 1 से 5 के लिए यानी कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उनके लिए आप लोग का बदलाव किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 16/11/2023 से लेकर जो है 25/11 अविस्तारणीय तक, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो डेट है उसको 25/11 तक कर दिया गया है। साथ में यहाँ पे जो डेट है वो आप लोग का अगर नहीं जब तक नहीं बढ़ता है तब तक आप लोग का 25/11 रहेगा, अगर बढ़ जाता है तो आप लोग का डेट यहाँ पे चेंज हो सकता है, ये आप लोग का यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और यहाँ पे जो डेट आप लोग का चेंज हो रहा है वो आप लोग का निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए, भुगतान के लिए, साथ में जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग जो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे फॉर्म भरते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे जो बढ़ाया गया है उसके लिए भी आप लोग का समय दिया जाएगा। तो कक्षा 1 से 5 के लिए जो आप लोग का अपडेट है वहाँ पे जारी किया गया है। साथ में यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। यानी कि अगर आप जो विज्ञापन संख्या जो यहाँ पे 26/2023 है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग को जो दोबारा से यहाँ पे आवेदन करना होगा, यानी कि फिर से रजिस्ट्रेशन करके आप लोग वहाँ पे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल करना होगा, तो ये आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। फिर आप लोग का सेकंड जो यहाँ पे बदलाव किया गया वो आप लोग को बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है वो वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक
से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पहले जो है वर्ग 1 से 5 के लिए आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा था, लेकिन उस समय अगर आप लोगों ने जो है फॉर्म भर दिया है तो ऐसे में आप लोग को एक और मौका दिया जा रहा है कि आप लोग जो है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद वहां पर आप लोगों को वर्ग 1 से 5 यहाँ पे देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां से जो है आप लोग दोबारा जो फॉर्म है उसको वहां पर फिल कर पाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो सेकंड आप लोग का ये बदलाव किया गया। थर्ड आप लोग का जो बदलाव किया गया है वो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है वो वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी जो है आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जो है 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, परीक्षा शुल्क का भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉग इन करके डैशबोर्ड पर यहाँ पे जो है 1 से 5 के लिए आप लोग का लिंक मिलेगा, वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है, डायरेक्टली आप जो है 1 से 5 के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो है 1 से 5 और अन्य के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर सिर्फ आप 1 से 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब तो आप यहाँ पे कर पाइएगा, लेकिन आप जो है और भी अन्य यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले जो आप लोगों का फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद आप लोगों का लिंक यहाँ पे एक्टिव किया जाएगा और आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो आप लोगों का भर्ती निकाला गया है उसके लिए जो है 25 से 11 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और नया रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ये आप लोगों में बदलाव किया गया है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो लॉग इन करके डायरेक्टली आप जो है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो है आप लोग का बदलाव यहाँ पे किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।